नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाली है काफी इमोशनल होने वाली है और उसका टाइटल है मदर बाय मौलाना तारिक जमील लेटेस्ट बयान। चलिए दोस्तों, मिलकर देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ऑल इन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इज्जत और जिल्लत का एहसास छोटे से बच्चे से पैदा हो जाता है। जो यूं आंख खोलता है और कुछ सुनने और बोलने के काबिल होता है, उसके अंदर इज्जत और जिल्लत का पूरा सिस्टम बेदार हो जाता है। अच्छा, जब वो मार खाते हैं तो अंदर ही अंदर उनके अंदर लावा पकता है। जब तो वो 3 साल के स्कूल भेजे जाते हैं और रोते हुए जाते हैं तो उनके अंदर एक नफरत पैदा होती है। क्योंकि माओ ने अपनी ममता, अपनी माँ होने का हक अदा नहीं किया, उनको स्कूल के हवाले कर दिया। दुख तो होता बच्चों को। तो वो मुझसे चंद माएँ कहें तो फिर क्या करें, स्कूल ही फिर दाखिले नहीं मिलते। मैंने कहा तो हिक्को सिर्फ यही स्कूल रह गए, तो मेरे को ले, मैं 10 साल का भी दाखिल कर लूँ। वैसे मैंने मजाकन कहा, कितने स्कूल में आपने स्टेटस क्यों बना लिया? ये माओ ने स्टेटस बना लिया कि फलां स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, फलां स्कूल में मेरा। उनको तुम्हारी औलाद से थोड़ा गर्ज है, उनको तुम्हारे पैसों से गर्ज। ये बात भी है। तो इज्जत नफ्स ला यकूलुल खनास। आपको एक वाक्या सुनाता हूँ, ये वाक्या मेरे घर का है, यानी मैंने कहीं से सुना नहीं, घर का है। जब ट्रैक्टर नहीं होते थे तो बैलों पे काश्त होती थी, जोता करते। मेरा ताल्लुक एक जमींदार घराने से। 1961 में सबसे पहले पूरे इलाके में मेरे वालिद ट्रैक्टर लेकर आए थे 14,000 का। तो बड़ी हुलहुल हो गई भी, मियाँ लगभग 14,000 का ट्रैक्टर ले आए, 14,000। वो 1,000 को नहीं देखता था उस वक्त। तो 14,000 का ट्रैक्टर, वो तो सारे धूम मच गई कि मियाँ लगभग 14,000 का ट्रैक्टर ले लिया। तो वो बैल होते थे हमारे, एक बैल ने चारा खाना छोड़ दिया। अच्छा, तो एक दो दिन तो नौकर ने नोटिस नहीं लिया, तीसरे दिन उनका मियाँ साहब, दांत कहते हैं हमारी ज़ुबान में, दांत जड़ा बैल है, चारा नहीं, पट्ठे नहीं खा रहा। तो अब्बा जी ने, मरहूम ने बुलाया डॉक्टर, उसने देखा, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, ठीक, कोई मसला नहीं। तो ये बेचारा क्यों नहीं खा रहा, का एक पता कोई। तो एक देसी हकीम था हमारे करीब, तो वाली साहब मरहूम ने घोड़े पर एक नौकर को भेजा कि जाओ उसको उठा के लाओ। उसको लेकर आए तो उसने बैल को यूं देखा, कहने लगा मियाँ साहब इन पट्ठे कौन पांदा है? तो एक हमारा नौकर था अलादिता कसाई, तो उसको दित्तू कसाई कहते थे। कहा अब्बा जी ने कहा जी आए है दित्तू, ओए ओरिया। उसको बुलाया, बैल के सामने बिठाया, जूता उतारा और 5-7 उसके सर में मारे, ठा ठा ठा। कहना जी पट्ठे पाओ, पट्ठे पाए तो वो खाने लगे। उस ये मैं आपको घर का वाक्य सुना रहा हूँ, घर का, सुनी सुनाई नहीं सुना रहा हूँ, अपने घर की बता रहा हूँ। अब्बा जी ने कहा एक ही जादू है, उन्होंने कहा जादू नहीं है, ये आपके नौकर ने इसको कहीं कोई सोटियां मार दी हैं। अच्छा, अच्छा। मार था। और ये वट खा गया था, बुरा मान गया था, इसको गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मैंने उस मारे क्यों, मैं तो चंगा भला काम दे रहा हूँ, आज जब मैंने उसकी ठुकाई की तो उसको तसल्ली होगी, मेरा बदला हो गया, उस पटे खा गया। इज्जत नफ्स तो जानवर भी चाहता है। ये तो है। हम माताहत को जलील करें, ऊपर वालों को मक्खन लगाएं, नीचे वालों को जलील करें, ये माएँ अपने बच्चों को मारें भी सही, फिर कहें इनके वो खिदमत भी करें, ये कैसे हो। और एक वाक्य मेरा चश्मदीद है, एक हमारा मेरे वाले साहब को घोड़े रखने का शौक था, तो बड़े नस्ली घोड़े रखा करते थे। एक घोड़ा सफेद रंग था, उसे नुकरा कहते हैं, तो बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत चलता था। कोई गलती से उसको छांटा मार देता तो गुस्से में खड़ा हो जाता था, चलता नहीं था। अच्छा। फिर बड़ी देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा होता फिर चलता था। एक दिन मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों तांगे पर और हमारा कोचवान उसको चला रहा, चाचा गामू मरहूम उसका नाम था, तो उसने ना उसको छांटा मार, ये मेरा देखा वाक्य है।
वो खड़ा हो गया, वहीं खड़ा हो गया। उसने सारे जोर लगाए, वो हिला नहीं। तीन चार आदमी बुलाए। जब ऐसे कभी घोड़ा तांगे में खड़ा हो जाता था तो फिर एक देहाती ट्रिक था, दो तीन आदमी इधर इधर पहिए को घुमाते थे, पहिया घूम कर जब वो तांगे की लगती थी ना उसको हुक, उसके पुश्त में ही वो पीछे, तो फिर वो चल पड़ता था। तो उन्हें तीन चार इधर, तीन चार इधर जोर लगा ली, वो हिला ही नहीं। वो नीचे आया और अपनी पगड़ी उतारी और उसके पाँव पे रख के कहने लगा, अल्लाह जाना है हूँ तक टोर पाओ। यकीन माने मैं आपको आंखों देखा बता रहा हूँ। उसके बाद उसने आके लगाम उठाई, घोड़ा चल पड़ा। लाई आप सीरत नबी का एक लफ्ज ले लें तो आप सब के लिए काफ़ी हो जाएगा, मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, इन मस्तूरात के लिए काफ़ी, कि हम मीठा बोल नहीं बोलते। बतौर माँ मुझे कैसे बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते। बतौर बाप मुझे कैसे बोलना है, नहीं बोलते। बतौर भाई मुझे कैसे बोलना है, ऐसा बोल हम नहीं बोलते। बतौर बॉस मुझे मातहत के साथ कैसे बोलना है, हम नहीं बोलते। बतौर मालिक मुझे नौकर के साथ कैसे बोलना है, ऐसा हम बोल नहीं बोलते। एक दोस्त के साथ मुझे कैसे बोलना, हम नहीं बोलते। तो सारे मुआशरे में आग लग गई, मोहब्बत नाम की शय मिट गई। वफा तुम न देखोगे हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा अजीबा रहा है। तो वफा मोहब्बत कैसे उठती है जब ये जवान ठीक हो नागन बन जाती है। मेरे रब की कसम पूरी दुनिया का शहद इकट्ठा करूं तो एक मीठा बोल उससे ज्यादा मिठास रखता है। क्या बात बोली, अल्लाह की कसम सात समंदर की कड़वाहट इकट्ठी करूं तो एक जबान का कड़वा बोल उससे ज्यादा कड़वाहट रखता है। नंबर की बात बोली। हजारों साल पहले अल्लाह अपने हबीब को हाईलाइट करने के लिए, मैंने क्या कहा, सिफात की कोई इंतहा है मेरे नबी की? किस चीज को हाईलाइट किया है जिस पे मुआशरा खूबसूरत बनता है? ला यकूलुल खना, जो कभी ऐसा बोल नहीं बोलेगा जो किसी के दिल को तोड़ दे, किसी का आंसू बह जाए, किसी की आह निकल जाए, किसी की फरियाद निकल जाए। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत अमल आपस में मोहब्बत करना है। और मोहब्बत कैसे पैदा होती है? मीठे बोल से, अच्छे अखलाक से। हिला डाला भाई। वैसे इस वीडियो में जो देखा जाए, इन्होंने बताया जो मदर के बारे में, जो अपनी माँ के बारे में बताया गया कि जैसे कि जो बच्चा जो पैदा होता है ना बचपन से, मतलब पैदा होते ही उसके अंदर थोड़ी अकड़ घमंडी ये सब आना स्टार्ट हो जाता है। और इसका उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया, जैसे हम उसकी माँ जो उसको स्कूल भेजती है उसकी, फिर वो बच्चा सोचता है कि मेरे को पहले इतने प्यार से रखा, मुझे रोता रोता स्कूल जाता, तो उसके उसके बच्चे के मन में भी गुस्सा आ जाता है और माँ कहती है कि नहीं नहीं ये तो मेरा बच्चा मतलब स्कूल अच्छे स्कूल में जा रही है, मतलब कि ऐसा एग्जांपल बताया उन्होंने। हाँ, और उन्होंने मतलब ये एग्जांपल देखे, उन्होंने अपने घर का ही एग्जाम्पल बताया, मतलब कोई सुनाओ ना नहीं, को अपने घर का एक एग्जाम्पल बताया। और उन्होंने बताया कि जो बैल होता है एक, वो मतलब खाना नहीं खा रहा होता, मतलब चारा नहीं खा रहा होता, तो वो हकीम हकीम कोई मतलब डॉक्टर को बुलाते हैं, फिर डॉक्टर कहता है तो ठीक है मतलब सब कुछ, फिर वो कहता है भाई क्यों नहीं खाना खा रहा, तो कहता है भाई ये तो मुझे पता नहीं है। फिर वो एक देसी जो होते हैं ना मतलब गांव के जो देसी डॉक्टर होते हैं उनको लाया, वैद उनको लेके आया, फिर उन्होंने जो उसके नौकर था उसको बुलाया, फिर उसके भाई नीचे झुका कर उसके वजह दो तीन दिन भाई छड़ी मतलब मारे, थप्पड़ मतलब जूता निकाल के मारे, और बाद में वो बैल खाने लग गया। मतलब इनका जो मेन वो था, मेन मोटिव था मतलब ये था कि इस स्टोरी का मतलब ये होता है कि जो इंसान होता है उनके अंदर भी जो नफरत होता है वो जाग जाती है। जो उन्होंने नौकर को इसलिए था, उसने चार खा था क्योंकि उसने नौकर ने उसको मार रखे थे दो तीन बार है ना, इसलिए नहीं खा रहा था वो खाना। हाँ, मतलब उनका मेन मोटिव इस वीडियो में यही था कि मतलब कि इंसान अपने जबान से ही अपने आप को मतलब दर्शक पर अपने आप रिप्रेजेंट करता है किसी के आगे। उन्होंने बताया भी जैसे कि आप कितना भी दुनिया भर का शहद इकट्ठा कर लो, मगर आपकी एक बूंद जवान की मतलब कि उस शहद के बराबर है। और मतलब कि आप कितना भी कड़वा पानी हो मतलब कि, और आपकी कड़वी जवान भी आपको सब कुछ वो मतलब कि उस लेवल का गिरा मतलब गिरा देगी आपको। मतलब उनका यही मोटिव था कि आप अपनी जवान से ही रखें, मतलब कि हम नौकर को नौकर की तरह ट्रीट ना करें, मतलब कि दोस्त को तरह ट्रीट करें। ये सभी मतलब कि इस वीडियो में बताया गया है उनका मेन मोटिव है। हाँ, मतलब ये जब पूरी वीडियो का अगर हम मोटिव देखें तो मतलब ये हमको ये ऐसी यही बताना चाहता है कि मतलब हमको दूसरों से मोहब्बत करनी चाहिए और प्यार से बोलना चाहिए, क्योंकि जो बोल में है ना वो किस चीज़ में नहीं है। हाँ, एक कहावत भी कि आप मतलब कि मर जाओगे तो आप कुछ साथ लेके जाओगे, मगर अपने विचार अपनी बोली ही साथ लेके जाओगे, यही आपके ऊपर जाके आपके स्वर्ग या नर्क में आपके ये बोली विचार ही देखे जाएंगे। हाँ सर, दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।